नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पुलिस की मानवीयता के किस्से यदा कदा सामने आते रहते हैं। इन्हीं किस्सों में एक किस्सा ये भी शामिल है कि एक यातायात पुलिसकर्मी द्वारा ब्लड देकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई गई। छतरपुर यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक राजीव यादव ने खून देकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई है। चेकिंग के दौरान पकड़ी गई टैक्सी चालक ने इस बात की जानकारी दी थी और ये समस्या पुलिस को बताई थी। यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा ने टैक्सी चालक की समस्या सुनकर ओ पॉजिटिव खून दिलाकर गर्भवती महिला की जान बचाई। इसके अलावा यातायात प्रभारी ने गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता भी दी है। इस मामले में SP सचिन शर्मा का कहना है कि यदि महिला को और भी खून की आवश्यकता पड़ती है तो वे भी खून देने को तैयार है। समस्या थी, काल में आई थी लड़की को लेकर, तो मैं भर्ती कर दी है, भर्ती हो गई। अब ब्लड प्रेशर नहीं मिल रही थी, उन्होंने आप निकाल दिया मेरे को। मैं फिर चली गई तो ऑटो वाले मुझे गैर पैसन का ले गया, ऑटो वाला गैर पैसन का ले गया। अब बेचारा लुआ ले आया। अब दीदी हर मिल गई इधर, तो दीदी हन ने उनकी गाड़ी पकड़ ली है, तो मेरे घर ले गए। कहा कि चलो दीदी हन ने गाड़ी पकड़ लाई, मैंने कहा चलो मैं चलूँगी। मिल गई मेरे को, तो मैं दीदी के हाथ पाँ जोड़े और कहा कि उनने से, मैंने कहा दीदी मेरी लड़की भर्ती है, भर्ती नहीं होती है, रोती है, उसके बच्चा होना है, दूसरा बच्चा ऑपरेशन से होना है भैया, इसलिए दीदी ने मेरे को 1,000 रुपया दिए और मेरी मदद कर दी है। ग्रुप में डाला था कि वो पॉजिटिव ग्रुप के ब्लड की ज़रूरत है, तो उसके लिए था वो पॉजिटिव, तो हमने एग्री कर दिया और उसको लाना भी डोनेट कर रहे हैं। कहानी नहीं, इसमें नॉर्मल चेकिंग लगी हुई थी, तो एक ऑटो ड्राइवर जो बिना वर्दी के मिला उसको चेक किया और बताया कि वो भतीजी एडमिट है हॉस्पिटल में और ब्लड की ज़रूरत है। हमने कहा झूठ बोल रहा होगा, तस्दीक की तो मैटर सही निकला। इनकी मम्मी से बात करी, मतलब जो इनकी भाभी लगी, तो उनसे बात करी तो उन्होंने बताया हमारी लड़की एडमिट है, वो पॉजिटिव ब्लड चाहिए है। तो स्टाफ में मैंने पता किया तो हमारा आरक्षक राजीव वो तैयार हो गए, तो तुरंत उसको ब्लड की व्यवस्था कराई, वो अभी ब्लड डोनेट ही कर रहा है अंदर। तो यही है इतना मैटर है। हाँ, इसमें मैंने SP सर से भी बात करी तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ये कार्रवाई करवा दें और ज़रूरत पड़ी तो वो इच्छुक हैं, इस तरीके से उन्होंने बताया। और हमारा काम ही है देशभक्ति, जनसेवा, तो जैसा भी बन पड़े तो करेंगे।